नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जितने भी हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा दोस्तों, ये जिस तरीके के आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी बैंक के, उनमें जो 16 नंबर का डिजिट होता था और जो भी हमारा वैलिड थ्रू डेट और मंथ पीरियड होता था, हमारा नाम, सारी डिटेल हम एंटर करते थे जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे, चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, ओला कैब बुक कर रहे हों या खाना ऑर्डर कर रहे हों, इस तरीके की जो भी चीज़ें थीं। अब RBI ने एक नया नियम लागू किया है 1 जनवरी 2022 से। दोस्तों, आप लोगों को अब एक टोकन सिस्टम उपलब्ध रहेगा। अब ये आपके बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको टोकन की सुविधा देता है या नहीं। उससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, जो आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के 16 अंकों की डिजिट आप डालते थे, ये अब कोई भी वेबसाइट और कोई भी कंपनी इन जानकारियों को दर्ज करके सेव अपने पास नहीं रख पाएगी। इसकी जगह पर टोकन सुविधा का यूज़ होगा, टोकनाइजेशन जिसे कहा जाएगा। आपको एक टोकन नंबर जो है जनरेट होगा, उस टोकन नंबर की मदद से आप जो है ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि हम लोग जब कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो दोस्तों उसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा मैनेज पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जो वॉलेट जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रुपए कार्ड करके यहाँ पर सेव है, नाम भी सेव है, एक्सपायरी डेट भी दोस्तों यहाँ पर सेव है। इस तरीके से जब हम किसी भी वेबसाइट पर या ऐप पर हमारी जानकारी को दर्ज करते हैं, तो दोस्तों ये सारा डाटा इन कंपनीज़ के पास चला जाता है। और ऐसे में होता क्या है कि इन लोगों के पास हमारी जानकारी होती है, लेकिन अब जब टोकनाइजेशन सिस्टम आ जाएगा, उसके आने से जो हमें फ़ायदा होगा, हमारी जानकारी अन्य किसी के पास, मतलब सिर्फ कार्ड होल्डर जो कंपनी है और हमारे बैंक के पास हमारी जानकारी होगी, इसके अलावा हमारी जानकारी थर्ड पार्टी पर नहीं जाएगी। वहाँ सिर्फ टोकन सुविधा का आप यूज़ कर पाएंगे, जो कि दोस्तों 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। आप उस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, RBI ने उसके लिए भी कहा है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोगों के ऊपर है कि आप टोकन सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कदम है दोस्तों। जितने भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स होते हैं, हमारी डिटेल्स, एक एक जानकारी हमारी इन कंपनियों के पास चली जाती है, अब ऐसा नहीं होगा। और हमें जो भी काम करने होंगे दोस्तों, वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की हमें ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ जो है टोकन सुविधा का यूज़ करना है। आपको एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, उस रैंडम नंबर जो जनरेट होगा, उसकी मदद से जो है आपको दोस्तों ये सभी काम करने हैं। तो दोस्तों, ये था RBI का नियम, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाले फ्यूचर में और कैसे वीडियो हमसे चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।